हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं, जैसे कि हमारी रीडिंग चल रही थी सितंबर मंथ को लेके कि सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। तो आज हम करने वाले हैं लास्ट, यानी कि हमारे कप साइन के लिए, यानी कप को लेके कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, इनके लिए ये सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे कि इनके लिए ये मंथ कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं कि कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस के लिए जनवरी का मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ वैंड। नेक्स्ट है थ्री ऑफ कप। नाइन ऑफ कप, ठीक है। साथ ही साथ आप देख लेते हैं आपके लिए कौन से अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द एम्प्रेस का कार्ड। वेट अ सेकेंड। ओके, तो अगर मैं स्कॉर्पियो की बात करती हूँ इस मंथ की, तो आपके लिए मंथ बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई विश थी आपकी, लाइक जब चाहते थे आपकी वो इच्छा है यहाँ पर पूरी हो सकती है। लाइक अगर आप चाहते हो खुद का घर, ठीक है, आप चाहते थे कि आप कोई प्रॉपर्टी है, कुछ भी, मतलब आप जो चाहते थे ना, यहाँ पर आपकी वो विश फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है मुझे। लाइक आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी और आप बहुत खुश रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना इस मंथ न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है आपकी लव लाइफ में। अगर आपकी लव लाइफ ऐसा लगा था कि कुछ डेड सी हो गई है, चल नहीं रही थी, प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी, आधुनिक बीच कनेक्शन नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, तो वो यहाँ पर आपको रिसीव हो जाएगी, ठीक है। आपके पार्टनर से आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो जाएगी, या फिर आप अपने पार्टनर को यहाँ खुद की तरफ से पहल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है, ये जो आपका मंथ है, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही गुड रहने वाला, काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है, काफ़ी सक्सेस है इस मंथ में, ठीक है। काफ़ी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए इस मंथ में, ठीक है। ये जो आपकी लाइफ में चीज़ें डिले चल रही थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, आपको लग रहा था कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है, तो उस लिहाज से आपके लिए जो मंथ है काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। बिकॉज देयर इज़ अ वेरी ब्राइटनेस, येलो 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 मेन थीम जो ज़्यादा था, तो येलो येलो ही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी जो इमोशनल फीलिंग है, आपकी जो गट्स है, आपकी जो इंट्यूशन है, आप उसे फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। आप उसके द्वारा खुद को इस मंथ जो है यहाँ पर गाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग शेयर करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं उनके हर कहीं डेट भी जा सकते हैं, उनको कोई सरप्राइज जो है यहाँ पर दे सकते हैं, या फिर आपको कोई सरप्राइज है जो यहाँ पर आपको आपके पार्टनर की तरफ से रिसीव हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ इस मंथ में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, तो यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि आप अपने काम में जो भी आप काम कर रहे थे, यानी कि जो भी आपका वर्क था, उसमें आपके लिए आप काफ़ी सक्सेस है, ठीक है। यानी कि ये सक्सेसफुली रहेगा। अगर आप चाहते थे कि आप जॉब चेंज करना चाहते थे कि हाँ मुझे जॉब चेंज करनी है, तो मुझे कहीं न्यू बेटर जॉब मिल जाए, ठीक है, तो यस आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके से आपके फेवर में होगी, और वहाँ से जो आप अर्निंग चाहते थे, लाइक एक तरीके से कह सकती हूँ कि हाँ मुझे इतना अमाउंट जो है, या फिर मेरी जो सैलरी है, मैं चाहता हूँ इतनी हाइक हो, या फिर जो भी है वो आपके फेवर में यहाँ पर होगी, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ आपकी और, तो ये मंथ आपका काफ़ी अबंडेंट रहने वाला है, आप काफ़ी ग्राउंडेड रहेंगे इस मंथ में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड रहने वाले हैं इस मंथ में, काफ़ी अबंडेंट रहेगा आपका ये मंथ, ठीक है। और मैं एक तरीके से कह सकती हूँ कि यहाँ पर लाइक फीमेल्स के लिए यहाँ पर है, लाइक मैं कह सकती हूँ गुड लक है। साथ ही साथ मैं यहाँ बात कर सकती हूँ फर्टिलिटी के बारे में, यानी कि बेबी बर्थ के बारे में बात कर सकती हूँ, ठीक है। गुड न्यूज़ के बारे में बात कर सकती हूँ, गुड न्यूज़ ऐसी हो सकता है, कहीं ना कहीं आप न्यू आइडियाज़ लेके चलेंगे इस मंथ में, नए एक्शन लेने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने, जो मैं कह सकती हूँ कि आप अपने इमोशन पे फोकस मत कीजिएगा यहाँ पर, आप अपने माइंड की सुनिएगा, ठीक है। क्योंकि आप इमोशन के बिहाफ पे वर्क करेंगे, तो यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा कि आप कौन से ऑप्शन को चूज़ करें। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने दिमाग को जो है, दिमाग की सुन के चले यहाँ पे, ठीक है। खुद को बैलेंस रखें यहाँ पे अपनी एनर्जी को, ओके। साथ ही साथ मैं यहाँ पर और एक बात कहना चाहती हूँ, ठीक है, कि आपको इस मंथ में, सितंबर के मंथ में कोई ना कोई सक्सेस तो जरूर मिलेगी, कोई ना कोई सेलिब्रेशन वो आप जरूर जो है इस मंथ में सेलिब्रेट करने वाले हैं, ठीक है। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है यहाँ पर शेयर कर सकते हैं,
ठीक है, अगर आपको लग रहा था कि आपकी लव लाइफ में यार थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, वो निकलेगा यहाँ से, थर्ड पार्टी जो है निकलेगी, ठीक है, यहाँ से। और मैं यहाँ बात कर सकती हूँ, आप जो भी काम कर रहे हैं डेडिकेट होके कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसमें थोड़ी सी भी कह सकती हूँ कि हल्का लेंगे उसे, तो कहीं ना कहीं बाद में आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, आप प्रॉब्लम जो है फेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ और बात करूँ इस एम्प्रेस कार्ड को लेके, तो ये बात करता है प्रॉस्पेरिटी का। मैंने कहा ना कि ये मंथ आपका बहुत ही अबंडेंट रहने वाला है, ठीक है, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी रहेगी इस मंथ में, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, आप जो भी काम करेंगे वो बहुत ही सक्सेसफुली जल्दी जल्दी होंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन और मैं ये बता सकती हूँ कि आपकी, जैसे मैंने बताया कि कोई ना कोई विश जो है यहाँ पर आपकी फुलफिल जरूर होगी, कोई ना कोई सेलिब्रेशन तो है, ये तो मुझे श्योर है। और यहाँ पे ना साथ साथ आपको मैं एक बात और बता दूँ कि आपने चाहे जितनी भी तैयारी कर रखी हो, पर कहीं ना कहीं लाइफ में चैलेंजेस आपके आएंगे यहाँ पर, तो प्लीज़ भी केयरफुल रहिएगा, बिल्कुल भी आपको इस मंथ में कोशिश करना है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे। आपने रीडिंग देख ली, आपको पता है कि लाइफ में सब कुछ बेहतर रहने वाला है, तो प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंट ना रहिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि चैलेंजेस या प्रॉब्लम कहाँ से आती है, कैसी ग्रुप से हमारी लाइफ में हो जाती है, इसलिए आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। इस महीने आपकी ग्रोथ है, सक्सेस है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, कहीं ना कहीं आप खुद के लिए यहाँ पर एक्शन लेंगे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और ये मंथ आपको बहुत ही क्रिएटिव रहने वाला है, ठीक है, अपने वर्क लाइफ को लेकर आप बहुत क्रिएटिव रहेंगे, न्यू आइडियाज़, न्यू प्लान जो है यहाँ पर ट्राई करेंगे अपने करियर में, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करती हूँ आप चाहते थे कि आप अपने पर्सन के साथ शादी करना चाहते थे, तो यहाँ पर आपको ना अपना जो कप है, अपना जो फीलिंग है, या फिर जो भी आप चाहते थे, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको उन्हें कन्फेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप कन्फेस नहीं करेंगे ना, वो पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं आपके माइंड में ना ये दुविधा चल रही है कि करूँ या ना करूँ, मन में कन्फ्यूज़न चल रही है आपके यहाँ पर, मैं ये चीज़ ये भी नोटिस कर रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बात को, इससे अच्छा है मन रखने से अच्छा है कि आप उसे शेयर कर दें, उसे बता दें अपने पर्सन को, ताकि वो आपको बता सके और एक तरीके से आपके माइंड में जो है वो घटना हट सके, ताकि आप आगे बढ़ सके यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब एंजल की तरफ से भी आपके लिए गाइडेंस लेते हैं यहाँ पर, ये कैंसर स्कॉर्पियो के लिए सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं। पहला कार्ड सॉल पर्पस, तो इस महीने आपको आपके सॉल पर्पस के अकॉर्डिंग एक्ट करना है, यानी कि आपका मेन फोकस क्या है, आपका मेन वर्क क्या है, ठीक है, आप क्या करना चाहते हो इस मंथ में। आपको मैंने कहा ना, आपको बिल्कुल वही चीज़ करनी है जब करना चाहते हो, जैसे कि हाँ, जरा सी भी गलती और शायद मे बी आप कहीं ना कहीं से चूक जाए, ठीक है, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, एंजल्स यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड, कई बार क्या होता है ना कि मन में बहुत ही हलचल चल रही होती है, मैंने कहा ना कि चीज़ों को शेयर कर दे, बता दे सामने वाले को, ठीक है, उनकी बातों को सुने, ठीक है, वो क्या कहना चाहता है। कई बार सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं होता आपकी तरफ से, क्या बोले जा रहे हो, सामने वाले के मन में क्या है वो आपसे कुछ कह ही नहीं पा रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है कि सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं, तो यहाँ आप सुनिए सामने वाले को, सामने वाला आपसे क्या कहना चाहता है, उसकी फीलिंग को भी, अभी उसकी बात को भी यहाँ पर आपको तवज्जो देने की जरूरत है, शायद आपके सवालों का जवाब यहाँ से आपको मिल सके। नेक्स्ट है क्लोजनेस, यू आर यूनिकॉर्न इज़ वेरी क्लोज टू यू, यानी कि आपकी एंजल्स, आर्की एंजल्स, आपके जो गॉडेस है, जिसको भी आप मानते हो, वो हमेशा आपके आसपास रहते हैं, बस आपको उन इन्वॉल्व करने की जरूरत है, वो आपकी हेल्प के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर हमेशा तैयार रहते हैं, आपके लाइफ में चेंजेस लाने के लिए वो हमेशा यहाँ पर रेडी है, ठीक, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को वो हमेशा बढ़ाना चाहते हैं, बस आपको जब भी लगे कि आप अकेले हो, तो आप उन्हें इन्वॉल्व कर सकते हो, आप उन्हें बुला सकते हो, वो हमेशा आपके आसपास होते हैं। एनर्जी जो होती है वो हमारे आसपास ही होती है, पर जब तक हम उन्हें बुलाते नहीं हैं, तब तक वो हमारी हेल्प नहीं करती हैं। चलिए गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। पहला कार्ड है इमोशंस आर रनिंग हाई, इस मंथ आपके इमोशंस काफ़ी हाई रहने वाले हैं, मैंने कहा था आप बैलेंस रखिएगा खुद को, यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, अपने माइंड का यहाँ पे यूज़ कीजिएगा, अपनी फीलिंग को लेके यहाँ पर, अपने इमोशन के बेस पे ये जो फैसला है कोई भी डिसीजन आप मत लीजिएगा।
नेक्स्ट है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आपने जितनी भी मेहनत करी है ना उसका अब जो पे ऑफ होने वाला है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। मैंने कहा ना कोई स्मॉल चाहे बड़ी सक्सेस जो है यहाँ पर आप सेलिब्रेट करने वाले हैं इस मंथ में। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंस ही जो है आपकी सक्सेस की तरफ आपको लेके जाएगा, तो अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखिएगा, बट प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिएगा, मैंने ये बात भी आपको यहाँ पर बताया था। साई बाबा की तरफ से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं हम यहाँ पर एक कार्ड, तो जो कार्ड आपके लिए आया है वो है धारणा ना बनाएं, धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। यानी अगर आपने पहले से अजम्पशन क्रिएट कर लिया है अपने मन में कि ये चीज़ तो हो ही सकती, ये मैं नहीं कर पाऊँगा या मुझसे नहीं होगा, तो प्लीज़ ऐसे धारणाएं ना बनाएं, ठीक है। अपने लिए पॉजिटिव सोचें, हमेशा पॉजिटिव ही दिमाग में चीज़ें रखिए, पॉजिटिव अफर्मेशन यूज़ करें, ठीक है। एक बार ट्राई जरूर करें, ये नहीं कि एक बार असफल हो गए तो दूसरी बार में होगा ही नहीं, अगेन आप ट्राई कीजिए, ठीक है, और पॉजिटिव रहिए, आपकी लाइफ में चीज़ें सक्सेसफुल जरूर होगी, आपको बस पॉजिटिव रहना है। प्लीज़ कोई लिमिटेशन मत सेट कीजिए कि यहाँ इसकी ये लिमिट है, अभी इसके बाद ये नहीं होगा, ऐसा कुछ मत सेट कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। वेट अ सेकेंड, चलिए और मैसेजेस चेक कर लेते हैं आपके लिए यहाँ पे। ओके, ये है शेयर योर विजडम, अपनी विजडम को शेयर कीजिए, यानी कि आपके पास कहा ना काफ़ी क्रिएटिव मंथ रहने वाला है आपके लिए, आप काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज यूज़ करेंगे अपने इस मंथ में। शाइन योर लाइट, ये मंथ आपका है, ठीक है, अपनी लाइट शाइन की, यानी कि अपनी आपको देखिए आपकी पॉजिटिविटी, आपकी जो एनर्जी है वो फील करेंगे आप, सपोर्ट अदर्स को भी सपोर्ट करें यहाँ पर आप, अगर आप कर सकते हैं। यहाँ पर है परसो योर ड्रीम्स, अपनी ड्रीम को फॉलो कीजिए यहाँ पर, से यस, कुछ चीज़ है आपके लिए जो यहाँ आ रही है उसे एक्सेप्ट कीजिए यहाँ पर। आस्क अ मिरेकल, आप किसी मिरेकल का भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर वही वाली बात है कि आपको इन्वॉक करना होगा एंजल्स को, आर्कएंजल को। रेज योर वॉइस, अपनी वॉइस को रेज कीजिए, अगर आपको लगता है कि आप बहुत हल्के से बोलते हो, ठीक है, आप अपनी बात नहीं रख पाते हो, तो अपनी बात रखने के लिए आपके लिए आया है रेज योर वॉइस, यानी कि अपनी बात रखिए हिम्मत के साथ, पूरे दम के साथ अपनी वॉइस को। शेयर योर आर्ट, अगेन यहाँ पर आया है शेयर योर विजडम, शेयर योर आर्ट, अपनी आर्ट को शेयर कीजिए, कुछ ऐसा खास है आपके अंदर। वेकअप, जागिए, जागने का समय हो गया, यानी कि अगर आप अभी तक खोए हुए थे, कुछ समझ नहीं आया, तो लाइक इस मैसेज आपके लिए है, वेकअप, जागो, करने का समय आ गया है, अपने पैशन को फॉलो करो, अपने ड्रीम को फॉलो करो, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए आ रहे हैं कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस के लिए। सितंबर का मंथ कैसा है आपका लिए? सितंबर का मंथ बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है, बहुत ही बेटर रहने वाला है, आपकी विशेष फुली फुलफिल होगी, ठीक है, यहाँ पर बहुत बेहतर है आपके लिए मंथ। सो आशा करती हूँ कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।